तो टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स की टीम भिड़ेगी एमआई पल्टन से टाटा आईपीएल 2024 के 38वें महामुकाबले में, यानी कि मैच नंबर 38 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा 22 अप्रैल 2024 मंडे को, और ये मैच जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो ये मैच काफी शानदार काफी जबरदस्त होगा। अब चूंकि मुंबई इंडियंस की टीम भी काफी शानदार गजब के फॉर्म में आ चुकी है, जहां इन दोनों टीमों के बीच ऑलरेडी आईपीएल 2024 में एक मुकाबला खेला जा चुका है, आईपीएल का मैच नंबर 14। तब मुकाबला मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, और उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एमआई पल्टन को बुरी तरह से हराया था, आसानी से 6 विकेट के अंतर से जीत दर्ज कर ली थी। इस बार मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड में खेला जाएगा जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में। तो क्या इस बार एमआई की टीम राजस्थान रॉयल्स को उनके ही होम ग्राउंड जयपुर में जाकर हरा पाएगी, या फिर नहीं? क्या अपना रिवेंज अपना बदला ले पाएगी या फिर नहीं? लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में अब तक राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के इतिहास में कुल 7 आईपीएल मैचेस खेले गए, जिसमें मात्र 2 ही मैच मुंबई इंडियंस की टीम जीत पाई है और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा एमआई के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर काफी शानदार और जबरदस्त है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिरी बार इस पिच पर इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को साल 2012 में हराया था मई के महीने में। तो जहां एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम जो गजब के फॉर्म में चल रही है, अब तक 7 मुकाबले खेल चुकी है, मात्र 1 ही मैच ये टीम हारी है और बाकी के 6 मुकाबले ये टीम जीती है, और टेबल टॉपर फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत आईपीएल 2024 काफी खराब रहा था, शुरुआती 3 मुकाबला बैक टू बैक ये टीम हार गई थी, लेकिन पिछले 4 मुकाबलों में इस टीम ने जिस तरह से वापसी की है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले 4 मुकाबलों में से मुंबई इंडियंस की टीम 3 मैचेस जीती है और लास्ट मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतकर आ रही है। तो एमआई की टीम टोटल 7 मुकाबले खेल चुकी है, 3 मैचेस जीती है, 4 मुकाबले ये टीम हारी है, जहां जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में अब तक आईपीएल 2024 में कुल 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2024 के एक भी मैच में 200 रन नहीं बने या फिर उससे ज्यादा रन नहीं बने, ना पहली पारी में और ना ही दूसरी पारी में। अब जो 4 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 मैचेस जीते अपने होम ग्राउंड पर, एक लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, एक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, तो एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। मात्र 1 मैच ये टीम हारी है इस पिच पर 4 में से, जो कि 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार गई थी अपने होम ग्राउंड पर। 4 मैचेस खेले गए, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते और चेजिंग टीम को भी 2 मैचों में जीत मिली है, और इस मैदान का एवरेज स्कोर आईपीएल 2024 की पहली पारी में 190 रन, जबकि दूसरी पारी में एवरेज स्कोर औसत स्कोर 185 रन है। वीडियो में आगे काफी कुछ बचा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट्स, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन, मैच विन प्रेडिक्शन, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यहां पर सभी आईपीएल और क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, यहां तक कि यूट्यूब से पहले भी हर छोटी बड़ी अपडेट्स वहीं पर मिलेगी। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर। तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 29 आईपीएल मैचेस खेले गए, जिसमें से 15 मैचेस मुंबई इंडियंस ने जीते, तो वहीं 13 मैचेस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीते और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में एमआई पल्टन का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर दिखाई दे रहा है। अब इस मैच की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में, तो यह मैच जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान पर अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 56 आईपीएल मैचेस खेले गए, पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 20 मैचों में जीत मिली है, चेजिंग टीम को 36 मैचों में जीत मिली है, हाईएस्ट स्कोर इस मैदान का 217 रन है आईपीएल में, सबसे लोवेस्ट स्कोर 59 रन है, जबकि सबसे बड़ा रन चेस हुआ था 217 रन और सबसे छोटा स्कोर डिफेंड हुआ था वो था 144 रन, और इस मैदान का एवरेज स्कोर ओवरऑल औसत स्कोर 165 रन है। अब अगर हम इंजरी अवेलेबिलिटी और टीम न्यूज की बात करें, तो जहां नांदर बर्गर पिछले कुछ मुकाबले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नहीं खेल सके, उन्हें निगल इंजरी हो गई थी, तो आपको बता दें कि नांदर बर्गर पूरी तरह से 100% फिट हो चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच ने कंफर्म कर दिया है। तो वहीं संदीप शर्मा भी इंजर्ड चल रहे थे, वो भी फिट नहीं थे पूरी तरह से, इसी वजह से वो पिछले कुछ मुकाबले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच ने बताया कि उन्होंने भी काफी अच्छी रिकवरी कर ली है। इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होगी, सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर हिटमैन सोहित शर्मा, नंबर 2 पर ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा होंगे और नंबर 5
पर कप्तान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर टिम डेविड फिनिशर, नंबर 7 पर रोमारियो सेफर्ट, तो वही नंबर 8 पर मोहम्मद नबी स्पिनर ऑलराउंडर, जबकि नंबर 9 पर जेराल्ड कोट्सी होंगे, नंबर 10 पर श्रेयस गोपाल और नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह जोरकर किंग। तो ये रही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए, जहां ये टीम गेंदबाजी के समय एज ए इंपैक्ट प्लेयर आकाश माधवाल को यूज करने वाली है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नंबर 1 पर खेलेंगे जोस बटलर, जो गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, 2 सेंचुरी इसी साल बना चुके हैं। नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल होंगे, नंबर 3 पर कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन, नंबर 4 पर जान पराग, नंबर 5 पर सैमरन हिटमायर और नंबर 6 पर होंगे ध्रुव चोरेल, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, तो वही नंबर 8 पर होंगे ट्रेंट बोल्ट, नंबर 9 पर अवेश खान, नंबर 10 पर बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है इस मैच में। कुलदीप सेन की जगह पर संदीप शर्मा को मौका दिया जा सकता है, तो इन दो में से किसी एक को ही खिलाया जाएगा और नंबर 11 पर होंगे युजवेंद्र चहल स्पिनर। तो ये तो रही राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11, जहां ये टीम गेंदबाजी के समय नांद्रे बर्गर या फिर केशव महराज, इन दो में से किसी एक को यूज करने वाली है सिचुएशन कंडीशन के अनुसार। तो फाइनली के लिए बात कर लेते हैं इस मैच की मैच विन प्रेडिक्शन की, क्या आखिर मुकाबला आखिर कौन सी टीम जीत सकती है। तो इस मैच को लेकर तो हमारी प्रेडिक्शन यही है कि यह मुकाबला शायद मुंबई इंडियंस की टीम जीत सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम गजब के फॉर्म में चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स के पास वो दमखम है कि मुंबई इंडियंस की टीम को बुरी तरह से हरा दे, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम बाउंस बैक कर चुकी है और ये मुकाबला भी मुंबई इंडियंस की टीम जीतने वाली है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।